गाजा में युद्ध के बीच यमन का हूती इसराइल और अमेरिका को झटके पे झटके दे रहा है। हूती लाल सागर, अरब सागर और हिंद महासागर में इसराइल और अन्य पश्चिमी देशों के जहाजों का काल बनकर बैठा हुआ है, जिसकी वजह से इन रूट्स पर शिपिंग कारोबार पूरी तरह ठप हो चुका है। और तो और, हूती इन इलाकों से सीधे इसराइल पर हमले भी कर रहा है। अमेरिकी सेना इन सभी इलाकों में मौजूद है, इसके बावजूद वो अभी तक हूती पर कोई लगाम नहीं कस पाई। और अब इसी कड़ी में हूती ने अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। दरअसल अमेरिका के बाहुबली कहे जाने वाले ड्रोन MQ-9 रैपर को हूती ने फिर से मार गिराया। हूती ने इस ड्रोन को यमन के सादा प्रांत के हवाई क्षेत्र में गिराया है। खुद हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल यहा सारी ने इस हमले की जानकारी दी। हूती का कहना है कि उसने अमेरिकी ड्रोन को जमीन से हवा में वार करने वाली एक स्वदेशी मिसाइल से मार गिराया। आपको बता दें कि अमेरिका का यह सातवां MQ-9 रैपर ड्रोन है, जिसे हूती ने गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद मार गिराया है। हूती ने खुद इस हमले का एक वीडियो फुटेज भी जारी किया है। تمكنت قوات الدفاع الجوي في القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى من إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ-9 وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع وتعد هذه الطائرة هي السابعة من نوعها التي تم إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة وضمن المرحلة الرابعة من التصعيد والمتعلقة بمنطقة العمليات البحرية نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة استهدفت من خلالها سفينة جورتون في خليج عدن وذلك بعدد من الصواريخ البالستية وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. अमेरिकी ड्रोन के अलावा हूती ने एडन की खाड़ी में ग्रोटोन जहाज पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की हैं। हूती का कहना है कि इस जहाज की कंपनी ने हूती द्वारा कब्जे वाले फिलिस्तीनी रूट पर लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन किया है, इसलिए इस जहाज पर हमला किया गया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की अगुवाई में बने ज्वाइंट मैरीटाइम इन्फॉर्मेशन सेंटर यानी JMIC ने भी इस हमले की पुष्टि की है। JMIC का कहना है कि लाइबेरिया झंडे वाले कंटेनर जहाज पर एडेन से करीब 225 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम में एक मिसाइल हमला हुआ है। हालांकि हमले में जहाज को मामूली नुकसान हुआ। हमले में सभी चालक दल सुरक्षित हैं। जहाज रास्ता बदलकर निकटतम बंदरगाह की तरफ मुड़ चुका है। वहीं दूसरी तरफ MQ-9 ड्रोन की बात करें तो इससे पहले 29 मई 2024 को यमन के मरी प्रांत के हवाई क्षेत्र में MQ-9 ड्रोन को मार गिराया गया था। और इससे पहले 21 मई 2024 को अलबायदा प्रांत के ऊपर जमीन से हवा में वार करने वाली एक मिसाइल से MQ-9 ड्रोन को उड़ा दिया था। और इससे पहले 8 मई 2024 को मरी प्रांत के ऊपर इस ड्रोन को गिराया गया था। और 24 मई 2024 को भी हूती ने साना में इस ड्रोन को गिराने का दावा किया था। और इससे पहले 25 अप्रैल 2024 को हूती ने सादा प्रांत में से मारने का दावा किया था। इससे पहले 19 फरवरी 2024 को हूती ने अल हदीदिया में प्रांत 19 फरवरी 2024 को हूती ने अल हदीदिया प्रांत में MQ-9 को गिराया था। MQ-9 रिपर ड्रोन की ताकत कीमत $1.68 करोड़ है। अधिक ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। सटीक हमला करने में सक्षम है। 20 मीटर चौड़े पंख हैं, लंबाई 36 फीट तो ऊंचाई 12.6 फीट है। बड़ा विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। 1700 किलोग्राम पेलोड की क्षमता है। जासूसी और हमला करना इसकी खूबी है। एडवांस सेंसर से लैस है। कई मिसाइलें फायर करने में सक्षम है। AGM-114 हेल फायर मिसाइल, JBU-12 पावे सेकेंड लेजर गाइडेड बॉम्ब, JBU-38 ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक ले जाने में सक्षम है।
और सबसे अहम बात यह है कि ड्रोन 1850 किलोमीटर तक की ऑपरेशनल रेंज रखता है, साथ ही ये लगातार 27 घंटे हवा में उड़ान भर सकता है। और यही वजह है कि हूती द्वारा अमेरिका के सातवें ड्रोन को मार गिराना अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है।